हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, हम लोग हॉट स्प्रिंग और एमरल्ड पूल गए थे। अब हम लोग वहाँ से जा रहे हैं हमारे रिसॉर्ट की ओर। सो लेट मी शो यू माय रिसॉर्ट एंड माय रूम। गाइस ये रहा हमारी होटल का एंट्रेंस। ये होटल जो है वो मेन रोड पे है। यहाँ पे मैकडोनल्ड, सबवे, स्टारबक्स सब कुछ आपको मिल जाएगा आसपास। ये होटल जो है हमारी ओनांग रोड पे है और ये यहाँ का रिसेप्शन है। ये गाड़ी के दरवाजे कहाँ है किसी को कुछ आइडिया नहीं है। गाइज हमारी रिसॉर्ट के बाजू में ही करेंसी एक्सचेंज की भी फैसिलिटी दी हुई है और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। हमारी होटल जो है वो ओनांग रोड पे है और ये ओनांग रोड यहाँ का सबसे पॉश एरिया कहा जाता है। गाइज ये रिसॉर्ट की सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे दरवाज़ा देख रहे हो, ये रात को बंद कर दिया जाता है और अगर आपको लेट नाइट को वापस आना है तो आपको आपका रूम कार्ड जो है वो साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्कैनर है। वो स्कैनर को अगर आप आपका रूम कार्ड बताओगे तो ही दरवाज़ा खुलेगा, वरना आपको पूरी रात बाहर ही रहना पड़ेगा। गाइज हमको रिसॉर्ट वालों ने ये टैग दिया है जिसमें रूम नंबर लिखे हुए हैं। ये टैग हमको हमारे बैग पे लगाना है ताकि जिस बैग पे जो रूम नंबर लिखा होगा उस रूम नंबर में ये बैग पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपका लगेज जो है वो किसी एक ही रूम में इकट्ठा ना हो जाए और आप इजीली आपके लगेज को हैंडल कर सको। सो गाइज ये है हमारा रिसेप्शन का एंट्रेंस हॉल। एंट्रेंस हॉल के पास ही यहाँ पे बेकरी भी है जहाँ से आप केक, कॉफी कुछ भी ले सकते हो और आराम से यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। ये जूस का नेम काफ़ी अजीब था, पता नहीं वो लेडी ने क्या बोला था, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा था। सो गाइज यहाँ पे आपको लिफ्ट लेके सेकंड फ्लोर पे आना पड़ेगा जहाँ पे सेकंड फ्लोर वाले सारे रूम्स हैं और यहाँ पे इनका मेन रिसेप्शन है। वो हट जैसा आप देख रहे हो बना रखा है, वो इनका रिसेप्शन है। हमारा रूम जो था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। सो गाइज ये जो है वो यहाँ का मेन रिसेप्शन है। यहाँ पे जो आपको नीचे से रूम अलॉट हुए हैं वो बताया जाएगा कि ये रूम कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या वहाँ पे जो ऊपर आपको सारे रूम्स दिख रहे हैं वहाँ पे है। सो गाइज हम लोग अभी वहाँ पे खड़े थे, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए रिसेप्शन एरिया में और रिसेप्शन एरिया के पास ही यहाँ पे एक पूल है। एक्चुअली यहाँ पे अभी बारिश आ रही है, इन्होंने ऐसे पर्दे लगा दिए है। दिस इज द पूल और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पे आपको सारे पासपोर्ट जमा करवाने होंगे और उसके बाद आपको रूम्स दिए जाएंगे। और गाइज ये जो पूल के आप इस साइड देख रहे हो ना, जहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, वो इनका जिम है। गाइज ये रिसॉर्ट जो है वो काफी बड़ी रिसॉर्ट है। आप यहाँ से भी इनका ऊपर जाने का रास्ता है। सो गाइज आई प्रेफर कि आप क्राबी आओ तो ये रिसॉर्ट में एक बार जरूर रुकना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिसॉर्ट है। गाइज जैसा यहाँ पे पूल है ना, वैसा आपको यहाँ पे दूसरा पूल भी है। वो यहाँ से आपको जाके सिक्स्थ फ्लोर पे मिलेगा। वो ओपन टेरेस पूल है पूरा और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो यहाँ से आपको चढ़ के जाना है फर्स्ट एलिवेटर पे थर्ड फ्लोर तक और उसके बाद लेफ्ट लेना है और फिर आपको दूसरा एलिवेटर मिलेगा, वहाँ पे आपको फिफ्थ फ्लोर पे जाना है, तब जाके आप ऊपर पहुँचोगे ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे। सो गाइस पूल के बाजू में ही इनका प्लेइंग एरिया है जहाँ पे बिलबोर्ड, चेस, कैरम हर एक चीज़ अवेलेबल है। और गाइस यहाँ पे एक्टिविटी सेंटर भी है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे की एक्टिविटी बता दी जाएगी। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है आप यहाँ पे रेट पूछ सकते हो और वो एक्टिविटी कर सकते हो। सो गाइज हम लोगों को फाइनली हमारा रूम यहाँ पे मिल गया है। हम लोग यहाँ पे सुबह जल्दी आ गए थे तो हम लोग चेक इन किए बिना ही अपने कपड़े वॉशरूम में बदल के चले गए थे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम, लेट मी शो यू द रूम। सो गाइज दिस इज आवर बेडरूम। यहाँ पे स्पेस है आपका कुछ सामान या कुछ भी रखने की। यहाँ पे ये यहाँ पे आपको टॉवल्स और एक्स्ट्रा स्पेस है। ये एक और बेड दे रखा है जहाँ पे आप सो सकते हो, पर एक्चुअली सोफा है। देयर इज वन मोर बेड। यहाँ पे सीढ़ियाँ है जहाँ से आप आ सकते हो। रूम तो बहुत सुंदर है,
पानी की बॉटल एंड मेनी अदर थिंग्स। बेडरूम्स बालकनी भी दे रखी है उन्होंने तो। लेट्स ओपन इट। सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे ऊपर आपको पंखा भी दे रखा है अगर गर्मी लगे तो। चेयर भी है, बाहर का नज़ारा भी अच्छा है और वहाँ पे ऊपर सुबह का बहुत ही मस्त दिख रहा था वाज पहाड़। Now let me show you the cupboard. यहाँ पे भी अच्छी स्पेस दे रखी है आपको। लॉकर भी है, 3 ड्रॉवर्स। ओह यहाँ पे तो नाइट गाउन भी है, that's so sweet। और छतरी भी दे रखी है, स्लीपर्स भी दे रखे हैं। इसके अंदर क्या है? ओए तो खा लिया। Let's pack it. Now let me show you the bathroom. इन्होंने पानी दिया है, हेयर ड्रायर है, नैपकिन है, वो हेयर कैप्स है, कंघा है, ठीक है, कॉटन बर्ड्स भी ले रखे हैं, डेंटल किट भी है, सैनिटरी बैग्स, एंड देन देयर इज बॉडी मॉइस्चराइजर। यहाँ पे साबुन भी दे रखा है, काफी स्पेस है यहाँ पे। सबसे मेन चीज यहाँ पे जेट स्प्रे भी है। और ये रहा इनका बाथरूम। बाथरूम में है हेयर कंडीशनर है, हेयर शैम्पू है एंड बॉडी वॉश। आपको जो सारा चाहिए वहाँ पे यूज कर सकते हो इसमें। फिर गाइज यहाँ से आते ही आपको ये 2 मिनी ड्रॉवर भी दे है। इसके अंदर फ्रिज है, आप कुछ भी ठंडा करने को रख सकते हो। बॉटल्स दे रखी है ठंडी पानी की। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ओह इट्स मोर स्पेस फॉर यू। देयर इज नथिंग इन दिस एंड देयर इज आल्सो नथिंग इन दिस। देयर इज डस्टबिन। सो गाइज अब हम लोग यहाँ पे निकल पड़े हैं यहाँ की नाइट लाइफ देखने। सो गाइज हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था। ये हमारी होटल जो है वो वहाँ पे बिल्कुल सामने ही है हमारी होटल, और यहाँ पे हमने खाना खाया था। ये यहाँ का फूड काफ़ी स्पाइसी था, सो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे आप ज़्यादा स्पाइसी खाना ना ऑर्डर करो, क्योंकि यहाँ का खाना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। आप अभी भी देख सकते हो मुझे अभी भी इचकियाँ आ रही है। सो गाइज हम लोगों ने ताज में मंगाया था पनीर चिली मंचूरियन ड्राई सब्जी और रोटी, सब्जी में पनीर की सब्जी और रोटी में गार्लिक नान और बटर नान। तो हमारा यहाँ पे बिल हुआ था 1950 baht। यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी जॉयफुल है, मतलब बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। कभी भी रास्ता खाली नहीं मिलेगा आपको, कोई ना कोई आपको चलता हुआ मिल ही जाएगा। गाइज ओनांग रोड पे आपको काफ़ी सारी ऐसी लाइव म्यूजिक वाली रेस्टोरेंट्स या बार मिल जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। सो गाइज हमारा आज का व्लॉग यही खत्म होता है। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।